हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। कोरोना महामारी के कारण करीब 5 महीने से बंद पड़ी मेट्रो सेवा आगामी 7 सितंबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी। मेट्रो का परिचालन चरणबद्ध तरीके से यानी सीमित यात्रियों के साथ चलाया जाएगा। उसकी सफलता के बाद आगे धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो में सबसे बड़ी चुनौती स्टेशनों पर भीड़ नहीं बढ़ने देने का है। इसके लिए कई बदलाव किए गए हैं। पहला, कुल 671 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश निकास में से महज 38% यानी 257 प्रवेश पर निकास गेट खुलेंगे। अगर मेट्रो को लगा कि स्टेशन पर भीड़ है तो तुरंत प्रवेश को रोक दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल ड्यूटी कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। नजर आएंगे ये 5 बड़े बदलाव। प्रवेश गेट पर सुरक्षा के साथ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रवेश व निकास के लिए सभी गेट नहीं खोले जाएंगे। यात्रा का समय बढ़ जाएगा। स्टेशन पर ट्रेन ज्यादा देर तक रुकेगी। लिफ्ट में एक समय में 3 लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। एयर कंडीशन के तापमान को 24 से 30 के बीच रखा जाएगा। यात्रियों को सफर के लिए रखना होगा ये ध्यान, हमेशा फेस मास्क लगाकर रखना अनिवार्य होगा। दूसरे यात्रियों से 6 फीट की दूरी बनाई रखनी होगी। अगर आप बीमार हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। मेट्रो के अंदर 2 यात्रियों के बीच 1 सीट छोड़नी होगी। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के हिसाब से अनलॉक 4 में मेट्रो का परिचालन 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी यह कैसे किया जाएगा इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।